हेलो दोस्तों, वणक्कम। आप तो जान ही चुके होंगे, आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्पेशल में कोकोनट की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा कोकोनट, जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। रोस्टेड चना, जिसे जिसके हम छिलके निकाल चुके हैं, ये बिना छिलके भी मिलते हैं। साथ में कुछ ग्रीन चिलीज, करी लीव्स एंड इमली का पल्प, जिस बेसिकली डीसीडेड टैमरिन। अब हम एक मिक्सी ग्राइंडर जार में रोस्टेड चना को डाल देंगे, एक फाइन पाउडर जैसा बना लेंगे। अब उसमें हम ग्रीन चिलीज डालेंगे, अपना टैमरीन, करी लीव्स, आवर कोकोनट। नाउ विल चर्न इट। 1 2 3। फर्स्ट ट्राई में इतना होता है, 2 3 बार लगेगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें सो दैट कंसिस्टेंसी बना रहे। बीच बीच में पानी डालना पड़ेगा आपको, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। ये है वो कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए। ये है एक परफेक्ट चटनी का कंसिस्टेंसी। ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे इसे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे एज टू टेस्ट। अब तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए तड़का पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, एंड 2 छोटा चम्मच हम इसमें मस्टर्ड सीड्स। हम इसे फ्लैटर करने देंगे। दिस साउंड इज़ वेरी अपीलिंग। थोड़ा करी लीव एंड एक रेड चिली। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब बस ये स्प्रेड करने के लिए रेडी है। हमारा चटनी बाउल तो पहले से रेडी था। नाउ विल पोर इट ओवर द चटनी। विल प्लेस द चिलीज। This look delicious. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.